वीडियो में कुछ स्क्रीन वो हो जाती है स्क्रैच की। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि जैसे मैं वीडियो ऑन करता हूँ मेरी आवाज आपके पास लेट पहुंचती हो, या आवाज और पिक्चर के बीच गैप रहता हो, ऐसा तो नहीं है? हाँ बताओ भाई, क्लियर है बेटा? पहला हमने बताया सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर पता हो एच के और रेडियस पता हो आर, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर। तो आपका स्क्वेयरिंग करोगे तो ये एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहला एक एग्जाम्पल हमने करके दिखाया, अगर सेंटर आपका 2-5 है, रेडियस 7 है, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इससे आगे सिंप्लीफाई करो बेटा इसको, आगे आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वेयर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4x और ये प्लस 10y और ये आपका आ जाएगा 4 और ये 25, 29 और वो 49 माइनस का 20। भाई चेक करके बता देना ये मैंने सही लिखा या नहीं लिखा। बेटा यहां तक किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मेरे से। काजल शर्मा, अनामिका, हिमांशी, खुशबू, खुशबू, चलो क्लियर हो गया। सर्कल बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है इसको। देखो हम तुम्हें पिक्चर भी भेजते हैं, वीडियो भी भेजते हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो तीन तीन काम एक साथ हो रहे हैं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भी आप लोगों में से किसी को हम नाराज ना करें, तथापि फिर भी किसी को अगर भाई है वो पूछ लिया करो बीच में मेरे से। अब बेटा जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? अच्छा वैसे हमारे यहां बना रखा है ये कि सेंटर 0-0 पे हो, सेंटर ओरिजिन पे हो, और रेडियस आर हो, तो इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन बनेगी जिसका सेंटर 0-0 पे हो, जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ये उस सर्कल की इक्वेशन बनेगी जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। किसी को पूछना बोलो भाई। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट है बेटा कि जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल की जर्नल फॉर्म क्या होती है? बेटा देखिए आप लोग सर्कल की जर्नल फॉर्म क्या होती है। सर्कल की जर्नल फॉर्म आपकी होती है ये, आप लोगों ने अभी मुझे बताया, हमने बताया आप लोगों को कि भी सेंटर एच एच के और रेडियस आर है, तो आपकी ये इक्वेशन बनी थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए माइनस बी के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
ये सर्कल की इक्वेशन बन गई बेटा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इसको हम जनरल लिखते कैसे हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने टाइप लिखी है केवल, इसका कोई वो नहीं किया है, इस टाइप को जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जो x का मल्टीपल इसको 2g लिखा है, y के मल्टीपल को 2f लिख लिया और जितना कॉन्स्टेंट था एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, इसको इसने कॉन्स्टेंट लिख दिया। और ये टाइप कहलाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्कल कहलाती है, ये जर्नल फॉर्म ऑफ द सर्कल कहलाती है। वेरिएबल नहीं सुन नहीं पा रहा हम प्रॉपर बेटा, ये वाला बेटे ये तो बेटा इसकी आइडेंटिटी खोल दी एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एक्स एच, ये वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के वाई। अच्छा ये तो ये इससे नीचे वाला तो मैंने ये इसको टाइप एज्यूम किया है, ये इससे कुछ बनाया नहीं है, ये टाइप है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स का मल्टीपल वाली टाइप, वाई का मल्टीपल वाली टाइप और बाकी जो सारा है इसका हमने कॉन्स्टेंट नाम दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर। ये आई नहीं है, डेरिवेशन नहीं है इसकी कहीं से भी, ये हमने कहा भी ये फॉर्म जनरल फॉर्म कहलाती है। जनरल फॉर्म मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, वाई स्क्वायर की टर्म होगी, कुछ एक्स वाली आएगी कुछ वाई वाली आएगी, बाकी जो बच जाएगा उसको हम कॉन्स्टेंट करेंगे। और इस टाइप को हमें जनरल फॉर्म को कंपेयर करके दिखा रहे जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म आएगी कैसे, जैसे आपका अभी तुमने किया था, आपने क्या किया था, आपने अभी किया था कि सर सेंटर दे रखा है टू माइनस फोर और रेडियस दे रखा है सेवन, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा आपकी एक्स माइनस टू का स्क्वायर वाई माइनस माइनस फोर का स्क्वायर इक्वल टू सेवन का स्क्वायर। अब मैं इसको पूरा सोल्व कर रहा हूं बेटा, ये एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर एक्स और ये एट वाई, बेटा ये फोर और ये सिक्सटीन ट्वेंटी और माइनस फोर्टी नाइन, ये माइनस ट्वेंटी नाइन देखना सिक्सटीन और फोर, ठीक है यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो इसमें क्या है, आप इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे कि ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टू जी एक्स होती है एक्स के साथ वाई टर्म को, ये टू एफ वाई होती है, केवल ये टाइप है और प्लस सी पर कुछ जी, तो यहां 2g की जगह क्या आ जाएगा, 2g की जगह माइनस फोर दे रखा है और 2f की जगह क्या दे रखा है आपका 2f की जगह 8 दे रखा है और c की जगह क्या दे रखा है माइनस ट्वेंटी नाइन। बताओ भाई समझ आया सबको, नहीं आया कि जर्नल फॉर्म क्या होती है सर्कल की, खुशबू रजत रजत कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही भाई, अच्छा ठीक है भाई। दिनेश भानु आ रही है समझ में बात है, हाँ मैं ये कह रहा हूं समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगला हमारा कंसेप्ट है बेटा टू फाइंड सेंटर। हाँ जी अभी ले अभी क्वेश्चन कराऊंगा निश्चिंत रहे, टू फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको सब समझ आ जाएगा।
आपको सेंटर और रेडियस निकालना है और आपको जर्नल इक्वेशन दे रखी है। देखिए क्या है बेटा, जर्नल इक्वेशन ये दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जर्नल इक्वेशन का मतलब समझे, ये टाइप के भी कुछ एक्स के साथ होगा, कुछ वाई के साथ होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब आपको इस फॉर्म में दे रखा हो तो आपके पास उसका सेंटर होगा बेटा माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस ही फार्मूला है बेटा, रेडियस हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। देखो कैसे बनाइए, अब मैं और अच्छा आपको क्लियर करूंगा। जैसे आपको ये दे दिया मैंने, तो मैंने ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सर्कल की जर्नल इक्वेशन दे दी। और मैं आपसे कहता हूं भी आपको इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, सेंटर और रेडियस। तो डेरिवेशन कैसे आई देखिए, आप ऐसा कीजिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना, एक्स वाला भी बेटा एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स, वाई वाला भी वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, और आप इस सी को उधर ले जाओ, सी को दूसरी साइड ले जाओ। बताइए मेरे को, यहां तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स है, यहां मैं जी स्क्वायर ऐड कर देता हूं, यहां मैं एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूं, और बदले की कार्रवाई उधर भी कर देता हूं जी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहां तक बताओ मेरे बेटे, किसी को डाउट है तो मेरी बात। क्या किया, यहां जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर ऐड कर दिया, उधर भी कर दिया जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, परिणाम क्या मिला देखिए आप, ये आ जाएगा यहां से ये आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये बेटा वाई प्लस के का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू माई जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के अंडर रूट का होल स्क्वायर। देखो क्या किया मैंने, अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट का होल स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ता, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता बताओ। अब ऐसा करने से आपका क्या प्राप्त होता है देखिए आप, अब आप कंपेयर करो, याद करो मैंने अभी कराया था एक्स माइनस एच का स्क्वायर, एक मिनट जी है बेटा गलती से, एक मिनट मेरे दिमाग में बुझ रहा, तुम भी नहीं बोलते मैं भी नहीं करता बेटा, ये x प्लस जी का स्क्वायर हो गया, ये y प्लस एच का स्क्वायर हो गया, और ये आपका जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट का स्क्वायर हो गया। अब आप इसको कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे देखो, आपको याद है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जब इससे कंपेयर करोगे ये फॉर्म से, तो आपका सेंटर क्या होगा बताइए मुझे, सेंटर होगा एच, और एच की जगह यहाँ क्या है देखिए, यहाँ माइनस एच है और ये जी है, तो एच की जगह पर जो है माइनस जी है, और एफ की जगह माइनस के है, मतलब के की जगह माइनस एफ है, तो आपका सेंटर आ जाएगा बेटा इसका माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या है, ये आपका रेडियस है आर स्क्वायर, अरे एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और रेडियस ये है आपका जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के। खुशबू इमानसी कहां से, अभी भी थोड़ा थोड़ा आया, कमाल कर दिए भी इतनी मेहनत करने के बाद भी। बेटा एक बात बताइए मुझे, आपको वो ये टाइप देगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, आपसे कहेगा कि आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है और रेडियस। हमने क्या किया, एक्स वाली टर्म पास पास लिया है एक्स स्क्वायर और टू जी एक्स, वाई स्क्वायर वाली पास लिया है वाई स्क्वायर
प्लस टू एक्स वाई और सी को उस साइड ले गए। फिर क्या किया हमने, इधर जी स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर ऐड कर दिया, तो दूसरी साइड भी हमने जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक बताओ किसी को समझ में आया कि नहीं आया? खुशबू यहां तक बता, यहां तक का बताओ कि किसी भी बच्चे को पूछना हो तो इससे पहले। अब बेटा ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी कि एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, ये बेटा वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और इसका क्या किया मैंने, जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी पे अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर दिया। अब ये आपको मैंने अभी फार्मूला बनाया है, सर्कल की इक्वेशन आप लोगों को याद होगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जनरल मतलब जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताई थी। अब उससे कंपेयर करो, देखो एक्स माइनस एच, तो माइनस एच की जगह जी है, माइनस एच की जगह जी है तो एच की जगह माइनस जी हो गया, और एफ की जगह माइनस के है तो के की जगह माइनस एफ हो गया। और इस सर्कल का, ये आपकी जो सर्कल थी फार्मूला बनाया था ये, इसका आपका सेंटर क्या होता था, एच के, सेंटर एच के होता था तो माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होता था, ये जो होता है आर का स्क्वायर। बताओगे किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो मेरी औकात इतनी थी, इससे ज्यादा मैं नहीं बताता। खुशबू बता, रेडियस आर का स्क्वायर है, रेडियस में स्क्वायर नहीं करेंगे, अंडर रूट समेत आ रहा है। इमामसी, रजत, सार्थक, अब मैं क्वेश्चन लेके चलूंगा और मैं आपको परेशान मत हो, आपको मैं क्वेश्चन करूंगा और आप ये कहेंगे कि जी आपने बिल्कुल सही समझा दिया, मैं तो ड्राइव करके दिखा दिया। सवाल तो इतना इजी आएगा कि आप ये कहेंगे कि सर इतना इजी क्वेश्चन आपने क्यों कर दिया। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास बुक का क्वेश्चन है और वो क्या है देखता हूं। देखो मैं ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट वाई माइनस 45 इज इक्वल टू जीरो, आपको ये दे रखा होगा और आपसे कहेगा कि भी इसका सेंटर फाइंड आउट करो और रेडियस फाइंड आउट करो। आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करो, ठीक है भाई? तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। हम इसको एक नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स स्टैंडर्ड फोरम प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू सी, हम इसकी कंपेरिजन स्टैंडर्ड से करेंगे कि स्टैंडर्ड सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जी। ये स्टैंडर्ड का मतलब टाइप है, ये सर्कल की इक्वेशन इस टाइप में होगी, जब इस टाइप में होगी तो हम कंपेरिजन करेंगे बेटा टू जी इक्वल टू क्या होगा, टू जी इक्वल टू माइनस फोर होगा और 2f इक्वल टू आपका माइनस एट होगा। 2g का मतलब x के साथ वाला, 2f का मतलब y के साथ वाला और c का मतलब हो गया आपका ये कॉन्स्टेंट। यहां तक बताओ बेटा किसी को दिक्कत हो। अब यहां देखिए आप, यहां से g की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू, f की वैल्यू आ गई माइनस फोर और c की वैल्यू माइनस 45। तो सेंटर क्या होता था जनरल इक्वेशन के लिए अभी करके बताया था माइनस जी और माइनस एफ, तो माइनस जी का मतलब टू माइनस एफ का मतलब फोर, तो इस सर्कल का सेंटर आ गया टू फोर। और रेडियस कैसे निकालते हैं बेटा इसका, हम रेडियस का फार्मूला है हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मतलब जी स्क्वायर
ठीक है, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, 4 प्लस 16 प्लस 45 कितना हो गया भाई, 61, 4 65, देखना भाई 64, 65, बताओ बेटा। और ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर सेवन आप लोग करें, एक क्वेश्चन आप लोग करें। आपको मैं इक्वेशन देता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। आप मुझे इसका सेंटर और रेडियस बताओ जल्दी से, सभी बच्चे सेंटर रेडियस कैलकुलेट करें इसका, सभी बच्चे इसका सेंटर और रेडियस मुझे कैलकुलेट करके दें। रजत समझ आ रहा है भाई? अच्छा, और अपना क्या नाम से रही हो? शिबू ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा जी, शाबाश, बताइए भाई। देखो कोशिश की जाए तो ऑनलाइन समझ आता है, इतना नहीं है, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं। देखो बेटा, फिर देखो, आप चिंता नहीं हुआ है, आप इसको कंपेयर करोगे एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx।